हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अपडेट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मतलब एक नया टॉपिक देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है ये टॉपिक आज का। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल। देखिए, सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन तीन एजेंसी की वजह से होता है, वो है एक वाटर, एक विंड, एक आइस और आखिरी एक ग्रेविटी। लेकिन मोस्टली ये जो तीन है इसकी वजह से ही होता है और ग्रेविटी से भी होता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इन ये जो चार एजेंसी है उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वाटर ट्रांसपोर्टेड बाय द सॉइल क्या होता है। कि वाटर का जो फ्लो है जब बहता है तो जो फ्लोइंग वाटर है वो एक कैरियर है, एज अ एक एक एजेंट है, तो उसको आज हम देखेंगे। तो चलिए देखिए, तो फ्लोइंग वाटर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल। तो ये तो क्लियर है कि फ्लोइंग वाटर एक सबसे महत्वपूर्ण एजेंट है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल करता है। द स्विफ्ट रनिंग वाटर कैरीज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉइल आइदर इन सस्पेंशन और रोलिंग अलॉन्ग द बेड। जो स्विफ्ट वाटर है, जो स्विफ्ट रनिंग वाटर है, वो क्या करता है कि अपने साथ बड़े पैमाने पे सॉइल कैरी करता है। एक तो सस्पेंशन में कैरी करता है या फिर वो करता है रोलिंग में। तो लेकिन ये जो बहता हुआ पानी है वो अपने साथ सॉइल कैरी तो करता है, और ये जो पानी जब बहता है किसी भी पत्थर के ऊपर से या फिर ज़मीन के ऊपर से, तो वो क्या करता है, इरोड करता है जो पत्थर है या फिर जो सॉइल है उसको इरोड करता है। और इरोड होने के बाद वो जो पार्टिकल्स है इरोडेड, वो पानी के साथ बहते बहते एक जगह पे, वैली पे उसको डिपॉजिट किया जाता है। तो इस तरह से वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है सॉइल का। अभी आगे क्या लिखा है कि द साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल कैरिड बाय वाटर डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। देखिए, अगर पार्टिकल अगर बड़ा रहा और सॉइल की वेलोसिटी, वाटर की वेलोसिटी कम रही, तो नॉर्मल है कि वो ज़्यादा दूर तक तो नहीं जाएगा, मतलब शॉर्टर प्लेस पर डिपोजिशन हो जाएगा। अगर उसके अपोजिट अगर वेलोसिटी पानी की ज़्यादा है और पार्टिकल भी फाइन है, तो ये क्या होगा, इसको बहुत दूर तक लिया लेके जाए, मतलब उसको कैरी किया जाएगा और उसके बाद में उसका डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा है कि द स्विफ्ट वाटर कैन कैरी द पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज सच एज बोल्डर्स और ग्रेवल। जो ये स्विफ्ट वाटर है ये बोल्डर जैसे साइज भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा है, विथ डिक्रीज इन वेलोसिटी द कोर्सर पार्टिकल डिपॉजिटेड। मैंने जैसे कहा कि जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती है पानी की, वैसे वैसे वो पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं और फाइनर पार्टिकल्स आगे तक लिया जाता है। उसके बाद में एक नया पॉइंट है कि अ डेल्टा इज फॉर्म्ड व्हेन द वेलोसिटी स्लो डाउन ऑलमोस्ट टू जीरो एट कन्फ्लुएंस विद द रिसीविंग बॉडीज स्टील वाटर और लेक। अब ये डेल्टा क्षेत्र का फॉर्मेशन होता है जब भी कोई रिवर लेक में जाके मिलते या फिर सी में जाके मिलती है, तब उससे पहले इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है टोटली और वहाँ पे पूरा डिपोजिशन ऑफ सॉइल हो जाता है। तो उस एरिया को क्या कहता है, डेल्टा कहते हैं। तो ये रहा वाटर ट्रांसपोर्टेड बाय दी सॉइल ये पार्ट। अभी इसमें का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि ऑल टाइप ऑफ सॉइल कैरीड बाय एंड डिपॉजिटेड बाय वाटर, मतलब जो सॉइल वाटर के द्वारा कैरी किया जाता है और उसको डिपॉजिट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम अलुवियल सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, अलुवियल सॉइल। वैसे ही जो डिपॉजिट लेक्स में किए जाते हैं उसको अपन लैक्सट्रीन सॉइल, लैक्सट्रीन डिपॉजिट कहते हैं। क्या, लैक्सट्रीन डिपॉजिट। उसके बाद में अभी ये जो लैक्सट्रीन डिपॉजिट है वो लेयर में डिपॉजिट होती है। देखिए क्या होती है, लैमिनेटेड वेरिएटेड लेयर्स में डिपॉजिट होते हैं। उसके बाद में जो डिपॉजिशन मराइन में किया जाता है उसको अपन मरीन डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, जो कि ओशन में होता है या फिर क्या होता है, सी में होता है। उसके बाद में सेकंड टॉपिक हम देखने जा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जो सेकंड एजेंट है ट्रांसपोर्टेशन का वो है विंड। देखिए, सॉइल पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड। ठीक है, द पार्टिकल की साइज, जो कैरी करने की पार्टिकल की साइज है वो डिपेंड करते हैं विंड की वेलोसिटी के ऊपर। सेम है जैसे वाटर में था, अगर वेलोसिटी विंड की कम है तो क्या होगा कि ज़्यादा दूर पार्टिकल नहीं जाएगा, अगर पार्टिकल बड़ा होगा तो वो भी ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। लेकिन फाइनर अगर पार्टिकल होगा और विंड की वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल ऑटोमेटिकली क्या जाएगा, काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक चला जाएगा। उसके बाद में
जो सॉइल डिपॉजिट की जाती है विंड के द्वारा उसको क्या कहते हैं, हम एवलिन सॉइल कहते हैं। और लेकिन जो सॉइल पाउडर के द्वारा, रिवर वाटर के द्वारा डिपॉजिट की जाती है उसको क्या कहते हैं, हम एवलियल सॉइल। तो ये जो दो पार्ट है, एवलिन सॉइल डिपॉजिट और एवियल सॉइल डिपॉजिट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इस विंड ट्रांसपोर्टेशन से लार्ज ड्यून्स फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज ड्यून्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो कि मोस्टली अरेड रीजन में फॉर्म होते हैं और जो कि लीवर्ड साइड ऑफ सी में फॉर्म होते हैं। अभी ये क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद में सॉइल इज सिल्ट डिपॉजिट। उसके बाद में जो लोसिस टाइप का जो सिल्ट डिपॉजिट है वो किससे हो तैयार होता है, वो होता है विंड से तैयार। क्या तैयार होता है? लोसिस। अब ये क्या है, इसकी डेंसिटी, इसकी लो डेंसिटी है लेकिन इसकी क्या है, हाई कंप्रेसिबिलिटी है, और इसकी वजह से इसकी बेरिंग कैपेसिटी भी काफ़ी लो है, और इसकी जो परमेबिलिटी है वो क्या है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो ये रहा विंड ट्रांसपोर्टेशन का एक कंसेप्ट, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एजेंट। तो नेक्स्ट एजेंट है ट्रांसपोर्टेशन का ग्लेशियर। देखिए ग्लेशियर कैसे एक्ट एज एजेंट करता है। देखिए ग्लेशियर क्या है कि एक जगह पे आइस जमा हुई और उसका कॉम्पैक्शन हुआ और उससे क्या बनता है, ग्लेशियर बनता है। लेकिन जब ये ग्लेशियर फॉर्म होता है तो उसमें कुछ अर्थ उसमें दब जाती है, या फिर जब ये ग्लेशियर आगे आगे बढ़ता है तो वो खुद के साथ कुछ अमाउंट ऑफ सॉइल भी कैरी करता है, ठीक है। और जब ये इसको मेल्ट हो जाता है तो तब उसका डिपोजिशन वहाँ पे कर देता है। तो ऐसे इस प्रकार से क्या है कि ग्लेशियर क्या करता है, एक्ट एज एजेंट करता है। तो जो ग्लेशियर के द्वारा सॉइल का ये होता है कैरिंग होती है उसको क्या कहते हैं, अपन ड्रिफ्ट कहते हैं, ड्रिफ्ट, ठीक है। ड्रिफ्ट इज अ जर्नल टर्म यूज फॉर द डिपॉजिट मेड बाय द ग्लेशियर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और उसके बाद डिपॉजिट डायरेक्टली मेड बाय द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर उसको उसको क्या कहते हैं, टिल, ठीक है। ड्रिफ्ट क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट इज अ जर्नल टर्म यूज फॉर द डिपॉजिट मेड बाय अ ग्लेशियर। जो ग्लेशियर के द्वारा जो डिपॉजिट किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, हम ड्रिफ्ट, और जो मेल्टिंग के बाद रिमेनिंग होता है उससे हम क्या कहते हैं, टिल कहते हैं। तो ये रहा ग्लेशियर डिपॉजिट। उसके बाद में क्या है, लास्ट वाला क्या है, ग्रेविटी डिपॉजिट। अभी ग्रेविटी डिपॉजिट सिंपल में क्या है ये, इसके बारे में इस कितना बड़ा नहीं है वो। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एक रॉक है, इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वेदरिंग एजेंसी ने काम किया, तो इसके वजह से इसका क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो डिसइंटीग्रेशन से इसके जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पे गिर गए। तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरे, ना ही कहाँ पे अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट हुई है, ना ही विंड के द्वारा ले गए। तो ये जो ग्रेविटी डिपॉजिट है इसे कहते हैं हम ग्रेविटी डिपॉजिट, ठीक है। जो सॉइल ग्रेविटी डिपॉजिट से फॉर्म होती है उसे क्या कहते हैं, हम कलेवल सॉइल कहते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है टलोस, ठीक है। टलोस में के जो टलोस के में के पार्टिकल जो है इरेगुलर रहते हैं, कोर्सर रहते हैं, और गुड स्ट्रक्चर ऑफ गुड सोर्स होते हैं, ब्रोकन रॉक ऑफ पीसेस होते हैं उसमें, तो एक एग्रीगेट की तरह भी काम कर सकते हैं। तो ये रहे तीन चार एजेंट्स, ठीक है। कौन से रहे, फर्स्ट फर्स्ट रहा वाटर, उसके बाद रहा विंड, उसके बाद रहा ग्लेशियर, अब ये रहा ग्रेविटी। तो ये रहे फोर एजेंट। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। बाय बाय।